एक फिल्म जल्द ही सिनेमा के पर्दे पर आने वाली है। फिल्म का नाम है रिजवान। रिजवान शब्द अपने आप में गिरते लड़ते झगड़ते आगे बढ़ते की कहानी से जुड़ा हुआ एक शब्द, लेकिन क्या एक काल्पनिक कथा है या फिर रियल बायोपिक है, इस पर हम बात करेंगे। साथ के साथ इस फिल्म से जुड़े दो महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हरीश व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में सोनू मिश्रा हमारे साथ हैं जो कि इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। तो सोनू, सबसे पहले मैं आपसे इस को शुरू करना चाहूँगा। नेगेटिव किरदार के साथ आप मूवी में शुरुआत कर रहे हैं, किरदार का नाम क्या है? जियाद नाम का किरदार है ये, और जो आपने अक्सर फिल्मों में विलेन देखे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट विलेन आपको नजर आएगा पहली बार। लेकिन फिल्म क्या ये माना जाए कि रिजवान वर्सेस जियाद है? हाँ, मतलब रिजवान जो गिरता उठता इंसान है, तो रिजवान उठने की कोशिश करता है और जियाद उसको गिराने की कोशिश करता है। तो फिल्म में बाद में जियाद उठ पाता है या गिरा ही रह जाता है? जियाद गिर जाता है और रिजवान उठ जाता है, फिर गिरे हुए जियाद को रिजवान उठा के अपने साथ ले जाता है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जियाद फिल्म में ज़रूर गिर के उठता है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सोनू मिश्रा ऊपर उठते हुए नजर आए। लेकिन सर, आपने इस मूवी को बनाया, प्रोड्यूस किया, पैसा भी इसके अंदर आपने लगाया, डायरेक्शन भी आपने दी, इस फिल्म में ऐसा क्या है कि आपने पैसा भी लगा दिया और वक्त भी लगा दिया? रिजवान आड़ते का कैरेक्टर, आप जब उनसे मिले तो आपको लगेगा कि इतना सीधा साधा इंसान ऐसे कितना बड़ा कैसे हो सकता है, और आप अगर उनसे मिले तो वो ऐसा लगेगा कि इस तरह के आदमी आज भी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि आज भी इतने बड़े होने के बाद इसका चेहरा इतना इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट चेहरा है। इसलिए मैंने जो अपना जो मेन कैरेक्टर है, मैं मतलब ढूंढता था कि ऐसा इनोसेंट चेहरा वाला मुझे रिजवान चाहिए। आप पोस्टर में देखें तो आपको पता चल जाएगा। इस फिल्म के लिए, क्योंकि सोनू मिश्रा पहली फिल्म को काम कर रहा है, तो राजस्थान के अलावा देश के कितनी स्क्रीन पर ये फिल्म आने वाली है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि पब्लिक पैसा खर्च करके इस मूवी को देखने क्यों जाए? सबसे पहली बात है कि ये फिल्म करीबन इस पूरे भारत में रिलीज होगी, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद। और ये फिल्म का अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हमारे स्टार का सब नए हैं, आप अगर आप ट्रेलर देखें तो बहुत लोगों का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव ट्रेलर है, कि देख के लगता है कि अलग तरह की फिल्म है एक। और जो लोग पहले 3 दिन में फिल्म देख के बाहर निकलेंगे वो हमारा प्रचार करेंगे कि फिल्म देखने लायक है, जाओ। सोनू, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ड्रामे की वजह से मूवी को देखने जाना चाहिए? नहीं, मेरी वजह से भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में लोगों का बहुत प्यार मिलता है मुझे, तो कुछ मेरे जो मुझे चाहने वाले हैं प्यार करते हैं एज ए फ्रेंड मुझे, मेरी वजह से। पहला पॉइंट ये है। अच्छा, आजकल मूवी पे कंट्रोवर्सी बहुत होती है, नाम क्योंकि रिजवान है, आपको लगता है कि इस मूवी के साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी है या जोड़ सकती है? ऐसा कुछ है फिल्म में? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी का कुछ है ही नहीं, वो इंसान ही ऐसा नहीं है, और हम प्रमोट करने वाले हैं, डायरेक्टर सर हैं ये कितने शालीन हैं आपको पता चल ही गया होगा, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी का है नहीं। बट फिल्म के अंदर ये ज़रूर है, एंटरटेनमेंट के साथ आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ज़रूर मिलने वाली है। चलिए सोनू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आपका शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए। मूवी जल्द ही आने वाली है सिनेमाघर में, आप देखने जाइएगा और रिव्यू भी बताइएगा, क्योंकि मूवी जिस तरीके से बता रहे हैं कि थोड़ी हटकर है, उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाए।